उत्तर प्रदेश जिला बरेली में स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ में तिब्बती नागरिक द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करके भारत में साइबर क्राइम करने वाला हुआ गिरफ्तार। बताते चले कि तिब्बती नागरिक द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करके भारत में साइबर क्राइम करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वहीं पर उल्लेखनीय की विगत कुछ दिनों से एसटीएफ उत्तर प्रदेश को विदेशी नागरिकों द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के तैयार करके भारतीय नागरिकता के दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट इत्यादि बनाने में संबंध में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी इसके संबंध में राजकुमार मिश्रा पर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नोएडा यूनिट के निर्देशन में श्री नवेंद्र कुमार पुलिस अधीक्षक एसटीएफ यूनिट गौतम बुद्ध नगर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सचिन कुमार एसटीएफ यूनिट नट द्वारा टीम गठित कर उपयुक्त गिरोह के अधिक अपराधियों के संबंध में अधिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। प्रभारी निरीक्षक सचिन कुमार एसटीएफ यूनिट गौतम बुद्ध नगर की टीम द्वारा सूचना सत्यापित करने हेतु कथित चंद्र ठाकुर पुत्र रमेश ठाकुर 2-3 फ्लोर LPIG फ्लैट पैकेट सी सेक्टर 3 द्वारिका दिल्ली को पूछताछ के लिए एसडीएफ कार्यालय गौतम बुद्ध नगर लाया गया, जहां विस्तृत पूछताछ की गई और संपूर्ण पूछताछ के उपरांत साइबर फ्रॉड के लिए बैंक खाते विदेशी नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए साक्ष्य प्राप्त होने तथाकथित व्यक्ति चंद्र ठाकुर द्वारा तिब्बती नागरिक होने की पहचान को छिपाते हुए पश्चिम बंगाल से कूटरचित दस्तावेज तैयार करके फर्जी पासपोर्ट बनाने के साक्ष्य उपलब्ध होने पर समय लगभग 11-14-15 उपलब्ध में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी में 35 साल का है, 14 वर्ष का यह भागकर तिब्बत आया।